हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम। और आज के लिए जो टॉपिक उठाया है मैंने, वो उठाया है डेप्रिसिएशन। तो आपको पता ही होगा कि हम पिछले सेशन से क्या करने जा रहे हैं कि हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज कवर करे जा रहे हैं, ताकि कोई भी टॉपिक ऐसा ना बचे जिसके एमसीक्यूज रह जाएं और एग्जाम के टाइम पे जो अकाउंटिंग सेक्शन रहे, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस रहे, उसमें हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। और इससे हमें पता भी चल जाएगा कि भाई किस चैप्टर में हम ज्यादा वीक हैं और किस में कम, ताकि उसी अकॉर्डिंग हम अपनी अपनी प्रिपरेशन को देख सकें। अगर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे एक साथ स्टार्टिंग में, तो वो हमें इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाएगा हम किस क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या किस चैप्टर में हम ज्यादा वीक हैं। मिक्स क्वेश्चंस भी हम अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे जब हमारा एग्जाम नियर होगा। अभी जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है डेप्रिसिएशन, और बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है हमारा, और हमारे को ज्यादा इसके इन डेप्थ में जाना नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। चले, अब अगर आप फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाते दबा दीजिए, ताकि हमारी ईएसआईसी से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो वो आप मुझे ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम से रिलेटेड अनुज जिंदल के नाम से चैनल है टेलीग्राम पे, वहां पे इनरोल कर लीजिए या वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप अपने कोई भी डाउट्स एग्जाम से रिलेटेड और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सारी फैकल्टी आपको उधर रिप्लाई करेगी डाउट्स को। और अगर आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो जल्दी से anujjindal.in पे जाइए और वहां पे जाके ईएसआई एग्जाम पे जाके एनरोल कर लीजिए, जहां पे हर एक डिटेल में वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ अवेलेबल है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना, ठीक है। स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आज का, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम एवरी ईयर, रिड्यूस्ड एवरी ईयर, इंक्रीज्ड एवरी ईयर और नन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारा, कि जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं डेप्रिसिएशन का, तब हमारे जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो रिड्यूस करती है या इंक्रीज करती है या सेम रहती है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है, अगर नॉन साइंस साइंस बैकग्राउंड से, मतलब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो देखो जब भी हम कोई एसेट लेते हैं, लेट सपोज मैंने कोई मशीनरी ली, अब जब मैंने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया 10,000 रुपीज का, अब हर एक साल उसकी वैल्यू 10,000 रुपीज रहे, ये तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम मशीन को यूज करेंगे उसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी। तो उस रिड्यूस वैल्यू को दिखाने के लिए हम उसकी में से कुछ अमाउंट माइनस करते हैं, इन शॉर्ट उस अमाउंट को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कि लेट सपोज मैंने सोचा कि भाई अगले साल इसकी वैल्यू सिर्फ 8,000 रुपीज रह गई, मतलब कितनी अमाउंट सब्ट्रैक्ट करी 2,000 रुपीज, वो 2,000 रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन के भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अच्छा, अगर जब बेसिक मेथड्स की बात करूं, तो बेसिक हमारे पास दो आते हैं जो हम क्लास 11, 12 से सीखते आ रहे होते हैं। एक आता है अपना स्ट्रेट लाइन मेथड, और सेकंड आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दोनों में फर्क क्या होता है, बहुत जल्दी सिंपली से मैं समझा देता हूं। देखो, अगर मैंने 100 रुपीस की मशीनरी ली है, एक ए केस ले लेते हैं और एक बी केस ले लेते हैं। 100 रुपीस की मशीनरी है और मैंने लेट सपोज 5 ईयर्स रन करेगी ये मशीनरी मेरी फैक्ट्री में। अब 5 ईयर्स में दो मेथड होते हैं। पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है कि हर एक साल मैं इसकी वैल्यू 20-20 रुपीज से कम करूं। ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ताकि 5 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, है ना। कि भाई एक फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड रेट जो कॉस्ट पे है, उसको हमने डिटरमाइन कर लिया और उतने से डेप्रिसिएशन लगाई जा रही। नेक्स्ट होता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, हम एक अमाउंट डिटरमाइन कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने परसेंटेज डिटरमाइन कर ली कि मैं 5% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, या लेट सपोज इजी रखने के लिए 10% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा।
10% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। अब पहले साल क्या होगा, मैं 10% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपीज। अब अमाउंट कितनी बची, 90 रुपीज। अब अगले साल में डेप्रिसिएशन कितने पे लगाऊंगा, 10% पे, लेकिन 90 रुपीज में लगाऊंगा रेदर देन 100 रुपीज। तो मतलब मैं अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो लगाऊंगा 9 रुपीज का। फिर जो अगले साल डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो लगाऊंगा 81 पे। 81 पे डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 8.1। ऐसे मतलब मैं रिड्यूस्ड अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाता रहूंगा, वो होता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हमारे क्वेश्चन में आज पूछा गया है कि जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं तो जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है, अगर आप देख पा रहे हो गए तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारी सेम रहती है हर एक साल। कि जो एक साल आपने फर्स्ट ईयर डिटरमाइन कर लिया कि मैं इतने परसेंटेज से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, लेट्स सपोज इसका 10% और 10 20 रुपीज आ गया, 20% 20 रुपीज आ गया, तो 20 रुपीज का ही डेप्रिसिएशन हर एक साल लगेगा। और इसको निकालने के लिए हमारे पास अलग सा फॉर्मूला होता है, याद हो तो, कि बाई कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ ईयर यूज। तो वो उस पर हम डिटेल में नहीं जा रहे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेम एवरी ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेम एवरी ईयर। बहुत सिंपल सिंपल और इजी क्वेश्चन ही हमारे सिर्फ आएंगे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 1st Jan 2003 फॉर ₹120,000। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस वर 30,000 रुपीज। रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर इज 5,000। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब हो गया स्क्रैप वैल्यू, कि जब हम 5 साल बाद मशीनरी को बेचने जाएंगे तो जब हम बेचेंगे मशीन को तो हमें 5,000 रुपीज मिलेंगे। या अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो भाई जब भंगार में सामान बेचते हैं तो जो पैसा मिलता है, ठीक है ना। ऑन 1st जुलाई एक्सपेंसिस फॉर रिपेयर्स वर इनकर्ड टू एक्सटेंट ऑफ 2,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अभी सीखा था हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। टोटल डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर्स, हमें बताना है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट मिला के कितना होगा, ठीक है। अब सबसे पहला तो अराइज होता है, भाई कॉस्ट कितनी है मशीन की, तो कॉस्ट कितनी है। देखो यहां पे तीन बातें करी गई हैं कि मशीन खरीदी गई है 1,20,000 रुपीज की। क्या तीन बातें कही है, मशीन खरीदी गई है 1,20,000 रुपीज की। उसके बाद बात करी गई है, उसके बाद बात करी गई है इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 30,000 रुपीज के, और उसके बाद बात करी गई है रिपेयर के एक्सपेंसेस हुए 2,000 रुपीज के। अब पहला क्वेश्चन तो मन में अराइज होता है, भाई कॉस्ट सिर्फ 1,20,000 होगी या फिर 1,20,000 प्लस 30,000 होगी, ये तीनों को ऐड करना क्वेश्चन अराइज हुआ। तो अगर आपको याद हो तो सिर्फ हम कॉस्ट में क्या लेते हैं, कि जब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं उस टाइम जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे मशीनरी की कॉस्ट हो जाती है। तो उस टाइम हमारे कौन कौन से एक्सपेंस हुए हैं, 1,20,000 और 30,000 रुपीज। क्यों भैया, ये 2,000 रुपीज तो बाद में हुए 1st जुलाई को, तो इसको हम कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ऐड नहीं करेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी मशीन की, 1,20,000 और 30,000 आ जाएगी 1,50,000 रुपीज। इसमें किसी को कोई शक कि भाई 2000 ऐड नहीं करेंगे। फिर इसके बाद बात आती है, बच्चे करते क्या है, वो इस 5,000 रुपीज को लेस कर देते हैं, कि स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो भाई याद रखना, हम स्क्रैप वैल्यू को लेस सिर्फ कब करते हैं, जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करो। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम जो भी कॉस्ट होती है और जो परसेंटेज होते हैं डेप्रिसिएशन का, उस पर डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जैसे अब हमारी कॉस्ट आ गई 1,50,000 रुपीज और डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमें गिवन है 10%। अब हम सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में इसका 10% कितना हो जाएगा, 15,000 रुपीज। बैलेंस कितना बच गया, ये बैलेंस बच गया 1,35,000 रुपीज। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन क्या आएगा, इसका 15% और 10% 13,500। तो अगर मेरे को टोटल पूछा गया क्वेश्चन में तो इन दोनों का टोटल कर लूंगा। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस 13,500, तो ये आ गया हमारे पास 28,500। मतलब 2 साल में हम टोटल डेप्रिसिएशन लगाएंगे 28,500 रुपीज का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, 28,500 रुपीज। तो याद रखना कुछ चीजें, कि भाई जैसे रिपेयर वाले एक्सपेंसिस को ऐड नहीं करना, फिर स्क्रैप वैल्यू को माइनस नहीं करना, ईयर का कोई लेन देन नहीं होता,
ये सारे कहां लेन देन होते हैं। देखो क्वेश्चन हमें जबरदस्ती क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड लगा, स्ट्रेट लाइन वाला मेथड यूज कर, लेकिन हमें ध्यान रखना है रिटन डाउन वैल्यू बोला गया, हमें इसमें डायरेक्ट परसेंटेज लगानी होती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिप्लीशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूज इन, कैटल्स की डेप्रिसिएशन लगाने पे या माइंस या फिर लीज या फिर मशीनरी, इन चारों में से किस केस में हम डिप्लीशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमारे तीन होते थे ना, एक होता था डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन, तीन वर्ड जो बेसिकली हम याद रखते हैं। जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो हमारा यूज होता है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, उनके लिए हमारा वर्ड यूज होता है डेप्रिसिएशन। फिर आता है अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन यूज होता है इनटेंजिबल एसेट्स के लिए, जब हम इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं तो उसे कहते हैं हम अमोर्टाइजेशन। और डिप्लीशन वर्ड यूज होता है हमारा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज के केस में, जैसे हमारी माइंस हो गई या जहां पे कोल माइंस वगैरह हो गई, तो नेचुरल रिसोर्सेज के केस में हम डिप्लीशन को यूज करते हैं वर्ड को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इजी, ऑप्शन नंबर बी, माइंस। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। अब बच्चे क्या सोच रहे होंगे, डेप्रिसिएशन से सिर्फ डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा, लेकिन मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है। भाई कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते वक्त भी ये पढ़ा था, हमें याद रखना है कि ये जरूरी नहीं सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पूछा जाएगा। अब इससे होगा क्या, हमारी रिविजन भी हो जाएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, हमें पता चलेगा याद है नहीं याद में। तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS2 वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में हम डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, AS28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, AS6 अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। भाई सारे बच्चे सोच रहे होंगे AS6 अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, सही कह रहा हूं, सब यही सोच रहे होंगे, या जो अभी भी पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं वो AS अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन को टिक मार रहे होंगे। तो भाई रुक जो, अमेंडमेंट आ चुकी है और हुआ क्या है, AS6 को हटा दिया गया है और उसमें किस में मर्ज कर दिया गया, उसे मर्ज कर दिया गया है हमारे AS10 में। याद रखना अगर आप गूगल सर्च भी करते हो तो वो AS6 शो करता है अभी भी आपको, लेकिन अगर AS6 रिमूव्ड लिखोगे तो आ जाएगा नोटिफिकेशन कि हाँ AS6 को रिमूव कर दिया गया है, उसे मर्ज कर दिया गया है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड PPE में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, उसमें हमारा एक सेक्शन है जो डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो याद रखना ये बात है, जो डेप्रिसिएशन वाला है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 नहीं रहा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में मर्ज हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, AS6 में नहीं करते। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे हमें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नोन एज फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जब हम अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिसपे हमने एसेट परचेज करी है, जैसे अगर मैंने 3 साल पहले एसेट 50,000 rupees की परचेज करी थी सारे इंस्टॉलेशन वगैरह मिला के, तो 50,000 rupees हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई, जिससे मैं हर एक साल डेप्रिसिएशन को माइनस करता हूं। याद हो तो जैसे मैंने अभी 100 rupees लिए थे तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करी थी, जो टॉप की अमाउंट होती है जिसमें हमने एसेट्स को परचेज किया होता है वो हमारी कहलाती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट में से हम हर एक साल डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और बैलेंस शीट में शो करते हैं, याद हो तो। अब वो कह रहा है जब बैलेंस शीट में आपने डेप्रिसिएशन माइनस करके अमाउंट लिखी, लेट सपोज इस अमाउंट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो फेयर वैल्यू कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं, मार्केट वैल्यू कहते हैं, NRV कहते हैं। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुक वैल्यू कहते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मार्केट या फेयर वैल्यू नहीं कहते, मार्केट वैल्यू वो होती है कि उस टाइम पे मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है, और जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं हमें मार्केट वैल्यू से कोई लेन देन नहीं होता, हम अपना जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जिसपे हमने उसे परचेस किया होता है एसेट को, उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं और अपनी वैल्यू बुक में मेंटेन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, बुक वैल्यू। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपका
होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला गया है द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर 3 ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज एट द रेट 15% पर एनम इज दिस, व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अभी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन क्या किया था कि भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट दे रखी है, हमने डेप्रिसिएशन लगाया और फ्यूचर अमाउंट में आ गए 3 साल बाद जो अमाउंट रही। अब इन्होंने क्वेश्चन में उल्टा कर दिया, हमें फ्यूचर की अमाउंट मतलब 3 साल बाद डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो अमाउंट है वो दे रखी है। हमसे पूछा गया कि हमने कितने में परचेज किया होगा एसेट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, कब? थर्सडे को 2 PM। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अगर कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ लेना। बाय बाय।